हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली कब है, पूर्णिमा का व्रत कब रखें, चंद्रमा को अर्घ कब दें, पूर्णिमा का स्नान दान कब करें और साथ ही जानेंगे इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा साल में आने वाली सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इसके साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए उपाय तुरंत फल देने वाले माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली कब है, पूर्णिमा का व्रत कब रखें, चंद्रमा को अर्घ कब दें, पूर्णिमा का स्नान दान कब करें और इस दिन क्या उपाय करें कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है 2023 में। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 27 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर होगा। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा करने की मान्यता है। इस साल चंद्रोदय व्यापनी पूर्णिमा 26 नवंबर रविवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 26 नवंबर रविवार और स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार को होगी। अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान 27 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:05 से सुबह 5:59 तक का रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से दिन भर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान चलेगा। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक का होगा। अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा चंद्रोदय शुभ समय के बारे में। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 4:46 पर होगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें चीनी और कच्चा दूध मिला जल अर्पित जरूर करें, इससे चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा विधि के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता कार्तिक पूर्णिमा को शिव की नगरी काशी में गंगा स्नान को आते हैं, इसलिए इस दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दीप दान करने से देव कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी की पूजा और मां को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस दिन स्नान के बाद लक्ष्मी जी, विष्णु जी और तुलसी पूजा करें तथा भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुने। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ दें। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ देने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखें और द्वार के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे मां लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे और आपके घर में धन वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।